हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम मैप फंक्शन के बारे में देखेंगे। मैप फंक्शन क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है और इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, इन तीनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैप फंक्शन क्या होता है। मैप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम किसी भी नंबर की रेंज को किसी दूसरे नंबर की रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स रहता है मैप, और इसके अंदर आपको सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है जिस वेरिएबल की रेंज को आप मैप करवाना चाहते हैं, और इसके बाद आपको इस रेंज की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ता है, और इस रेंज को आप जहाँ तक मैप करवाना चाहते हो यहाँ पर उसकी मिनिमम वैल्यू और उसके बाद यहाँ पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ता है। तो ये है इसका सिंटेक्स। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एक एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कि मैंने एक एलईडी को आर्डिनो की पीडब्ल्यूएम पिन से कनेक्ट किया हूँ और एक पोटेंशियोमीटर को आर्डिनो की एनालॉग पिन से कनेक्ट किया हूँ, और यहाँ पर मैं पोटेंशियोमीटर के रोटेशन से एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं मैप फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल ले लूँगा जिसका नाम रहेगा आई, और इस वेरिएबल के अंदर मैं पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को स्टोर करवाऊँगा, और पोटेंशियोमीटर की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1023। अब इसके बाद मैं मैप फंक्शन लिखूँगा, और मैप फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा वेरिएबल आई, और इसके बाद मैं इस वेरिएबल आई में स्टोर होने वाली मिनिमम वैल्यू लिखूँगा जो कि है 0, और इसके बाद मैं आई में स्टोर होने वाली मैक्सिमम वैल्यू लिखूँगा जो कि है 1023। और क्योंकि मैंने एलईडी को आर्डिनो की पीडब्ल्यूएम पिन से कनेक्ट किया हूँ और पीडब्ल्यूएम पिन से जो आउटपुट मिलेगा उसकी वैल्यू रहेगी 02255, इसीलिए अब मैं मैप फंक्शन में लिखूंगा 0 और इसके बाद मैं लिखूंगा 255। तो इस तरह से मैप फंक्शन आई वेरिएबल में स्टोर होने वाली 1024 वैल्यूज़ को 256 वैल्यूज़ में मैप कर देगा, और बाद में हम इस वैल्यू को किसी और दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। इसीलिए यहां पर मैं मैप फंक्शन के इक्वल में लिखूँगा इंट जे। तो इस तरह से मैप फंक्शन से जो भी 256 वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू वेरिएबल जे में स्टोर होंगी, और इसके बाद मैं इस वेरिएबल को एनालॉग राइट फंक्शन के अंदर लिख लूँगा। तो इस तरह से जब मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करूँगा तब इसकी टोटल 1024 वैल्यूज़ वेरिएबल आई में स्टोर होगी, और मैप फंक्शन इन टोटल 1024 वैल्यूज़ को 02255 में मैप कर देगा, और बाद में ये 256 वैल्यू एनालॉग राइट फंक्शन में जाएगी जिससे एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि मैप फंक्शन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैप फंक्शन का यूज़ करके पोटेंशियोमीटर की हेल्प से सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।